था वहाँ पर महसूस कैसा वार के टाइम पे कैसा होता है? वैसा ही था, और बाकी हम तो पहले से, मैं पहले से था तो मुझे पता था कैसे मीन्स क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और बाकी ये लोग भी इनको भी पता हो गया कि कैसे क्या करना है। तो जैसे ही सारण बजता ये लोग भी उधर शेल्टर पे जाके रुकते। मैं वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर मैं रिसर्च करता था प्लांट्स पे, प्लांट साइंस पे। तो वहाँ पर मैं 3 साल से वर्क कर रहा था। तो जब इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑपरेशन एजेक के अंतर्गत स्टार्ट हुआ तो फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया और बहुत जल्दी हम यहाँ पे इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करा विदिन कल और आपको हेल्प मिली, सर कैसा ये पूरा प्रोसेस? बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। बिटिया आपके साथ, छोटी बिटिया, बच्चे के साथ मुश्किल सिचुएशन काफी क्रिटिकल? हाँ, थोड़ा मुश्किल बच्चे के साथ भागना होता है। जैसे आपको अगर शेल्टर में जाना है तो बच्चे को लेके जाना होता है, बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, तो आपको उसको लेके जाना है। आप अकेले भाग के जा सकते हैं, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज वहाँ का जो प्रोसेस है और जो रहते हैं वहाँ पर, वो सबको पता है कि कैसे आपको टैकल करना है। खुश है, बहुत खुश है, थैंक यू। चलो चलो, घर आए तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। और मेरा नाम लक्ष्य कुमार, सो हम सारे साथ में ही थे जेरूसलम में, तो हमें 2-3 बार सायरन हमें मिले। उसके बाद हम थोड़ा पैनिक सिचुएशन तो था वहाँ पे, पर उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब एजेंसी से, मतलब इंडियन एम्बेसी से हमें मैसेज आया कि तुम्हें लीव करना है, तो 13-14 को, तो 13 को हमने लीव किया वहाँ से। और ये अच्छा है, मतलब जो भी 8 दिन से बहुत चल रहा है। या बट जब उन्होंने हमारे जो जयशंकर ना एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने जब बोला तो उन्होंने तुरंत मेल भी आया। तो ये देखिए कि अब उन्होंने जब बोला है तो तुरंत मेल भी आया, उनके बोलते से हमें सबको मेल आने लगा। 13 को 14 को सबको मेल आया, तो एक अच्छा है कि तुरंत कोई बोल रहा है और तुरंत मेल आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है शायद। थैंक यू सर। आप इसराइल से आ रहे हैं, कैसे आपका नाम क्या है, कैसी सिचुएशन, आप इंडिया वापस आकर कैसे? मेरा नाम चुनौती है, मैं वहाँ पोस्ट डॉक फेलो हूँ, एज ए स्टूडेंट रिसर्च कर रही हूँ। और वहाँ पे कंडीशन जैसे आपको बॉर्डर पे तो क्या जितना मीडिया दिखा रही है बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर एक्चुअली पैनिक है, इंडियन स्टूडेंट्स में पैनिक है, क्योंकि थोड़ा सा सायरन और हमारे लिए न्यू है। बट अदरवाइज वैसे इसराइल बहुत अच्छी कंट्री है और जिनका आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छा है। आप सोचो, मतलब 5000 मिसाइल्स आ रही हैं, उसमें से कुछ ही नीचे आती हैं, वो भी कुछ टुकड़े, और इंटरसेप्शन हो जाता है ज्यादा से ज्यादा का। तो वैसे अच्छा है, लेकिन पैनिक इसलिए क्योंकि अब जैसे मैं अपने बच्चे के साथ अकेली वहाँ इसराइल में रह रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, तो उस टाइम पैनिक होता था। और बार बार जब सायरन बजते थे तो हमें बार बार शेल्टर्स में जाना पड़ता था, रात में 1-1 बजे भी सायरन बजता था तो भाग के जाना पड़ता था वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन था अदरवाइज। लेकिन आने के बाद अब बहुत रिलीफ है, क्योंकि अब लग रहा है हम हमारी कंट्री में आ गए, और इसलिए मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा है ये। और मैं और गुजारिश करूंगी, प्लीज जो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट फंसे हुए हैं, बहुत फैमिलीज हैं जो आना चाह रही है, वेट कर रही हैं, उन्होंने दूसरी फ्लाइट्स भी कराई हैं जो कैंसिल हो रही हैं, और सिर्फ यही फ्लाइट है जो ऑपरेशन विजय अजय के थ्रू आ रही है। तो प्लीज आप थोड़ी सी कोशिश करें कि रूट चेंज करके जैसे भी हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, बहुत स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं आने के लिए। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हम फेस्टिवल सीजन में एक्चुअली आ पाए, वरना सोच रहे थे कि पता नहीं इस बार तो फेस्टिवल कैसा बीतेगा वॉर के बीच में। अभी मेरे देवर आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, यूएस में हैं अभी, तो मेरे देवर अभी मुझे लेने आ रहे हैं, बट फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और इंडिया आके बहुत ही रिलीफ मिल रहा है।